दक्षिण पश्चिम मॉनसून महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में दस्तक दे चुका है, लेकिन अब इसकी रफ्तार कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस सप्ताह मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए ये बताया है कि उत्तरी अरब सागर, गुजरात और मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के बाकी भागों, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है। हालांकि मॉनसून पूरे महाराष्ट्र में दस्तक देने के साथ ही गुजरात और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून गर्म और उमस भरा बना हुआ है, और जो मौसम है वो उमस और गर्म बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, कोटा समेत अन्य कई हिस्सों में धूल भरी आंधी की संभावना जाहिर की गई है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए A1 संवाददाता ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, बताएं क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जयती, दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत पश्चिमी और जो मध्य भारत के जो अधिकतर हिस्से हैं उसमें दस्तक दे चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अरब सागर से उठा हुआ जो उत्तरी अरब सागर का इलाका है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, उसमें 48 घंटे के अंदर जो मौसम के विस्तार की परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होती दिखाई दे रही है। लेकिन जो उत्तर भारत के कुछ राज्य जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई जगहों पर जो तापमान है वो भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां दिल्ली में बीते दिन 42 डिग्री के पार तापमान रहा, तो वहीं राजस्थान में भी 44.9 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। तो कहीं ना कहीं जो मानसून है वो दस्तक दे सकता है, लेकिन जो तापमान है वो लगातार ऊपर जा रहा है, जिससे लोग गर्मी और उमस से परेशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यदि मौसम विभाग की मानी जाए तो राजस्थान में जो मानसून है वो इस बार 25 जून के बजाय 19 या 20 जून को भी दस्तक दे सकता है झालावाड़ के रास्ते में, और 24 जून तक पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभ।